मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। एक मिनट, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो कि मैंने अपना हेयर स्टाइल जो है वो चेंज कर लिया है और ग्लासेस स्टाइल भी चेंज हो चुका है। तो खैर, आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्पेशल होने जा रही है। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मुझे बहुत सारे पार्सल्स रिसीव हुए हैं, तो उनमें मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था वेडिंग इन्विटेशन का। वाह 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 वाह, शादी के कार्ड्स है। रोमियोली वेडिंग इनविटेशन। मेरे कज़न की शादी है जो कि कल है, और इस दौरान मैंने शॉपिंग की है। कुछ चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं, कुछ लोगों ने मुझे सेंड की थी, और कुछ चीज़ें मैंने खुद परचेज़ की हैं। तो हम उन भेजी हुई चीज़ों को और खुद परचेज़ की हुई चीज़ों को पेयर अप करके हम वो शादी में यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड है और उन ड्रेसेस से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यार, आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कभी शलवार कमीज में नहीं देखा होगा, लेकिन अब आप लोगों को देखने का मौका मिल सकता है। सो ये खूबसूरत सी शलवार कमीज है, खद्दर स्टाइल है। इसके बटन भी बड़े खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। अब जब शलवार कमीज़ की बात आती है तो इसके साथ पेयर अप करने के लिए और भी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमें ये एक खूबसूरत सी वेस्ट कोट रिसीव हुई थी। सिर्फ ये वेस्ट कोट नहीं थी, इसके साथ और भी चीज़ें हमें मिली हैं ताकि हम इसको इसमें यूज़ कर सकें। लुक, और सिर्फ यही नहीं, ये भी है साथ लगाने के लिए। क्योंकि हमें ड्रेसिंग कंप्लीट करनी है तो हम एक ख़ास चीज़ कैसे बोल सकते हैं, ये खूबसूरत से स्टड्स। फुटवेयर में हमने यूज़ किए हैं ब्लैक कलर के शूज़। तो इस ड्रेसिंग की पिक्चर्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है बारात की। तो बारात के लिए हमें ये खूबसूरत सी शर्ट रिसीव हुई थी। ये शमूज़ और सिल्क का शायद कॉम्बिनेशन है, आई एम प्रीटी श्योर। और इसके ऊपर ये खूबसूरत से बटन्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। और ये डार्क जिंक और नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ पेयर अप करने के लिए हमें ये रिसीव हुई थी लाइट स्किन कलर की, या इसको हम ऑफ वाइट स्किन भी बोल सकते हैं। ये एक जैकेट रिसीव हुई थी, और इसके साथ नीचे बॉटम में पहनने के लिए ये डॉकर्स की कॉटन जीन्स लाइट स्किन कलर में। और इसके साथ फुटवेयर में वेयर करने के लिए ये खूबसूरत से खद्दर स्टाइल शूज़। बस अब बारी है वलीमे की। लेकिन वलीमे की ड्रेसिंग की तरफ जाने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों के अलावा हमें कुछ और चीज़ें भी रिसीव हुई थी। ये एक ड्रायर प्लस ड्रायर ब्रश है, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस। हमारे पास ये खूबसूरत सा परफ्यूम हमें रिसीव हुआ था, और आई एम प्रीटी श्योर कि इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा सॉलिड होगी। दिस इज सॉलिड, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस एज वेल। और इसके अलावा हमें रिसीव हुई थी ये खूबसूरत सी स्वेट शर्ट, थैंक यू। इस स्वेट शर्ट के अलावा हमें दो चीज़ें और रिसीव हुई थी। एक तो ये ग्लासेस जो मैंने लगाई हुई हैं, और इसके अलावा एक ये जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो अभी हम चलते हैं वापस अपने वेडिंग ड्रेसिंग स्केड्यूल की तरफ। अब बारी है वलीमे की। यूजुअली क्या होता है कि वलीमे वाले दिन पेंट कोट को या टू पीस थ्री पीस को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी हासिल होती है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन चूंकि आपका भाई थोड़ा सा डिफरेंट और हटके काम करना चाहता है, तो हमने ड्रेसिंग भी डिफरेंट सोची अपने लिए। कि मुझे डेनिम या जीन्स स्टफ जैकेट जो होती है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। हमें ये खूबसूरत सी डेनिम की जैकेट, जीन्स स्टाइल की जैकेट, वो गिफ्ट आ गई। और अब चूंकि ये गिफ्ट आई थी, तो इसके साथ हमें पेयर अप करने के लिए कुछ और भी तो चाहिए था ना। तो फिर मैंने सोचा कि ना इस डेनिम के साथ कुछ वाइट का कॉम्बिनेशन किया जाए। तो हमने फिर ये वाइट कलर की एक टी शर्ट ढूंढी। मुझे कोइंसिडेंसली एक और गिफ्ट मिल गया, एक नहीं बल्कि दो एक साथ। सबसे पहले ये खूबसूरत सी जीन्स, फेडेड रफ जो मर्जी आप इसको बोल सकते हैं। और ये स्टाइल, इसको टेप स्टाइल बोलते हैं आई थिंक, ये काफ़ी ज़्यादा आजकल इन है। तो हमें ये रिसीव हुई, और इसके साथ हमें ये खूबसूरत सा ये भी रिसीव हुआ। अब फुटवेयर में क्या होना चाहिए, आइडिया गैस। मैंने फुटवेयर में वाइट को प्रायोरिटी दी, और ये खूबसूरत से स्नीकर्स वाइट कलर में, वाइट ब्लैक स्ट्राइप्स इस ड्रेसिंग के साथ, समझ गए होंगे ना कि क्या लगेंगे। अब ये पिक्चर्स आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की फैन मेल, गिफ्ट मेल, फैशन मेल,
वेडिंग मेल, जो मर्जी इसको बोल सकते हैं. एंड बाय द वे थैंक यू. और बाय द वे हम YouTube पे 2300 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं, तो इसी खुशी में तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा. फी अमान अल्लाह. और अगर आप लोग मुझे कुछ भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेलिंग एड्रेस मौजूद है, आप लोग मुझे भेज सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.